जीवन के कष्ट व कुरूति के दूर करे खातिर यज्ञ उपयोगी आचार्य पंडित अरविंद मिश्र जीरादेई के जामापुर में श्री विष्णु महायज्ञ कलश यात्रा के साथ प्रारंभ भई। जब तक देश के लोग में राष्ट्रीयता के सम्मान के भावना ना रही तब तक समुचित विकास संभव नहीं थे। ये बात आचार्य पंडित अरविंद मिश्र जी जीरादेई के जामापुर में 9 दिवसीय श्री विष्णु महायज्ञ के कलश यात्रा के दौरान शुक्रवार के कहनी। वहाँ के कहनी कि युवा पीढ़ी संशय के स्थिति से गुजर रहल बा, जैसे ही उन्हें कोनो दिशा मिली वो विकास के राह पर चल पड़ी हैं। लोग के जीवन के विघ्न हरे, कष्ट दूर करे, कुरीति के दूर करे खातिर यज्ञ उपयोगी बा। प्रत्येक इंसान में दिव्यता छिपल रहेला, जो ये ओकरा के पहचान लेला वो दूसरा के प्रेरणा देवे लागेला। हम यही अंदर छिपल दिव्यता से मनुष्य के परिचय करावे के चाहतनी। वहाँ के कहानी कि युवा स्वाभिमान के धनी होले, अभिमान के ना। युवा पीढ़ी शिक्षा और संस्कार के ग्रहण करे पर ध्यान दे लें तो कष्ट अपने आप दूर हो जाला। ए दौरान भारी संख्या में महिला पुरुष श्रद्धालु कलश यात्रा में शामिल भइले। यज्ञ में रामलीला, रासलीला तथा आध्यात्मिक प्रवचन आदि भी 9 दिन तक संचालित रही। यज्ञ के समापन आगामी 18 मई के हवन भंडारा तथा महाप्रसाद वितरण के साथ संपन्न हुई। यज्ञ के संचालन यज्ञाचार्य श्री श्री 1008 श्री राम नारायण दास जी महाराज के सानिध्य में कल जा रहल बा। हमारे साथ इस समय इस यज्ञ के आचार्य महोदय यहाँ पर मौजूद हैं, तो इनसे जानना चाहेंगे कि यहाँ जो जामापुर में राम जानकी मंदिर में यज्ञ हो रहा है, कितने लोग यहाँ पर उत्साहित हैं? एक्चुअली में यज्ञ का अर्थ ही होता है कि यज्ञोपितस्य जनताय कल्पते, यानी समस्त प्राणियों के कल्याण की जिसमें कल्पना की जाए उसकी संज्ञा यज्ञ होती है। निसंदेह पूरे क्षेत्र पूरे यूँ तो यज्ञ पूरे विश्व के कल्याणार्थ होता है, लेकिन हमारे पूरे क्षेत्र में सम्यक प्रकार सुख शांति हो, मंगल हो, कल्याण हो, इसी उद्देश्य को लेकर के यज्ञ हो रहा है। ये श्री विष्णु महायज्ञ हो रहा है, क्या कार्यक्रम है, क्या कार्य रूप है इस यज्ञ का? पूरा आया कि यज्ञो वही विष्णु और विष्णु वही यज्ञ है। यज्ञ का ही स्वरूप विष्णु होते हैं और विष्णु का ही दूसरा स्वरूप यज्ञ है। तो यज्ञ में आज जल यात्रा शोभा यात्रा का कार्यक्रम चल रहा है, कल पंचांग पूजन मंडप प्रवेश का कार्यक्रम होगा, फिर अरणि मंथन होगा, मंडप में देवी देवताओं का आवाहन स्थापन होगा और यज्ञ आज से प्रारंभ होकर के 18 मई तक कार्यक्रम चलेगा। इसमें कथा, प्रवचन, रामलीला, रासलीला और सभी सब लोगों के मनोरंजन के लिए मीना बाजार इत्यादि झुलवा उलवा मैंने जो भी है सब व्यवस्था यहाँ पर आया हुआ है। आप इस यज्ञ के आचार्य हैं तो क्या कहेंगे यहाँ के क्षेत्र की जनता? हम तो बताएं कि यज्ञ भी दो प्रकार के होते हैं, कि यज्ञ और एक महायज्ञ। तो यानी जो व्यष्टिपरक धार्मिक अनुष्ठान होता है उसकी संज्ञा यज्ञ होती है, लेकिन जो समष्टिपरक धार्मिक अनुष्ठान होते हैं उसकी संज्ञा महायज्ञ होती है। यानी यह महायज्ञ जो हो रहा है अपने अपने परिवार, अपने क्षेत्र, अपने नगर, यो तो पूरे विश्व के कल्याण की परिकल्पना लेकर के यज्ञ हो रहा है। इसलिए आपके इस चैनल के माध्यम से जितने भी दर्शक हमारे हैं, सबसे पहले तो आपको साधुवाद कि जो लोग नहीं आ पाए हैं वो लोग भी इस यज्ञ भगवान का दर्शन आपके चैनल के माध्यम से कर रहे हैं लोग। तो आपके चैनल के माध्यम से जितने लोग यज्ञ भगवान का दर्शन कर रहे हैं, यज्ञ भगवान का आशीर्वाद से सबके ऊपर कल्याण हो, मंगल हो, सबके घर में सुख शांति और मंगल की व्यवस्था बने, यही उद्देश्य लेकर के यज्ञ किया जा रहा है। जय श्री राम। रहुआ गाँव में जग हो रहा बा, जग में कितना लोग भाग ले बा, क्या का तैयारी? यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मतलब कम से कम ना हो तो 2500 आदमी, ना तो 2000 ले बा आदमी, कम से कम 7-8 गो गाँव के आदमी आइल बाई में, छोट से बड़े मेहरारू से मरद ले पूरा। कितना तैयारी कैले रहल है जग खातिर? तैयारी बहुत, मतलब नवजीवक समिति के में बहुत ज्यादा योगदान बा, बहुत मेहनत कैले बनी हमनी के। 9 दिन के जग बा, ये जग में का हो राम जानकी मंदिर? वही तो पहले लड़का सन खाती और बूढ़ बुजुर्ग, मतलब हर चीज के आयल बा, हर चीज की व्यवस्था बा, झुलुआ पूरा, मतलब जौन की ना आई रहा 10 साल पहले, 10 साल हो गए देख ले, वो मेला में आयल बा झुलुआ। प्रवचन करता किरण भारती, हाँ, अयोध्या से। और भी लोग बा, न युवक लोग बा, हियाँ के बोले कहत रही रउआ के यहाँ यज्ञ भइल बा, विशाल यज्ञ के अंडा बा, लगभग 10,000 लोग बा यहाँ मौजूद बा, का तैयारी कैले रही? तैयारी तो बहुत भव्य तरह से भइल बाटे, जौन के रउआ देखत तनी यज्ञ बहुत ही भव्य रूप में जा रहल बा और सभी एरिया खुश बा ये यज्ञ से। राम जानकी मंदिर में श्री विष्णु महायज्ञ होता और उसमें कलश यात्रा में देखल गए 10,000 से अधिक भक्त लोग भाग लिया, तो कितना मेहनत करे के पड़ल है इतना बढ़िया व्यवस्था कर?
मेहनत तो कोनो चीज कई जला तो अथी बा, लेकिन मंदिर पर हमने मने हरेक पाँच साल पर यज्ञ होला, सारा लोग जानता, बर व्यवस्था सारा जितना होला, हमने के चारा क्षेत्र के सहयोग से आ बीच सेंटर में मंदिर बा। आजा बहुत लोग जुड़ल बा कि प्रतिदिन हमरा के यहाँ काली मंदिर पर रोज देखो कि होला। आई मंदिर मने बुझे कि तीन मने छपरा सिवान गोपालगंज में, अगर कहीं जाए कोनो गांव में ऐसा केहू ना होके जे जामा पर मंदिर के ना जानत होके, तो विष्णु महायज्ञ में सारा क्षेत्र के लोग के बारा समाज के लोग के कड़ी मेहनत क के जौन सब लोग आइल बा आ यज्ञ में सब लोग सम्मिलित भइल बा। आ हमनी के तरफ से सब लोग के शुभकामना बा, स्वागत बा। अरविंद मिश्रा जी से बात भइल, वहां कहतनी 9 दिन के यज्ञ बा, तो का का कार्यक्रम बा, का का जे भक्त आई चाहे फिर से छोट छोट बच्चा आई असन ओकनी का व्यवस्था बा? देखी यज्ञ तबा के जौन के सुबह 7:30 बजे से लेके 11 बजे ले पूजा पाठ, आ 12 बजे से लेके दिन में रामलीला बा जौन की 3 बजे चली, आ 3 बजे से फिर पूजा पाठ स्टार्ट हुई तो 6 बजे ले चली आरती हुई, ओकरा बाद से 7 बजे से लेकर 9 बजे ले प्रवचन करता बा जे किरण भारती जी बारी कि अगर जिला में 20 गो यज्ञ होला साल में तो कम से कम 10 गो उनका प्रोग्राम लगेला। तो वहाँ के भी बहुत जिन से हमनी के जुड़ल बनी अरविंद बाबा जे बानी आचार्य हमनी के, तो 2000 से यहाँ के यहाँ हमारा के यहाँ जमा पुरावतनी यज्ञ करावतनी। ओकरा बाद से फिर रात में रासलीला के प्रोग्राम बा, आरो वह देखा तनी कि मौत के कुआं, झूला, मीना बाजार इत्यादि बहुत चीज़ आई बा, खेल लोग मनोरंजन आ लोग खातिर सेवा में हमने के पूरा गांव के समाज के लोग तत्पर बा कि 24 घंटा शरबत, 24 घंटा पानी आ 24 घंटा भोजन के व्यवस्था बा। रोवा मेला में अधिक से अधिक सब लोग से जानता लोग से आग्रह बा, अधिक से अधिक संख्या में रोल नाई लो, प्रसाद पाई लो आ शरबत पी लो, पानी पी लो, सारा क्षेत्र के लोग के देहल चीज़ है जौन हमने के शरबत के व्यवस्था बा, पानी के व्यवस्था बा, महाभंडारा के जौन व्यवस्था बा, सारा लोग के सहयोग बा। तो ये सब लोग सब निवेदन करे जे आवो कम से कम जामापुर मठिया पर तेगिला शरबत पानी आ प्रसाद भगवान के ग्रहण। इतना लम्हर आयोग भइल बा, जनता से भी रुआ अपील कर देने के में भाग लेक बा, जे रुआ साथे सहयोगी लोग बा जे माने व्यवस्था के इतना बढ़िया सुचारू रूप से बनल बा, ओकरा खातिर का कर? अब सब लोग लागल बनी सन में के चंदन जी माने पृष्ठ अध्यक्ष, संजय बाबा बनी, कुंडल बाबा बनी, नितेश बाबा हमने के मेला के कैशियर बनी, और वह जानते बने कि चुनाव दौरा बा तो रोज दौरे बा, लेकिन मुख्य रूप से यहाँ लोग रनी हो। आ हमने के खाली थनी से मार्गदर्शक के हमने के लुकर बाबा बनी, महाराज जी के भरौली वाला आशीर्वाद बा, लुकर बाबा का आशीर्वाद बा, कितना बड़ा अरविंद बाबा का आशीर्वाद, इतना बड़ा कार्यक्रम बन के सफलता की ओर बढ़ रहा है। राजेश कुमार सिंह, पूर्व BDC, मुखिया पति, ग्राम पंचायत राज जामापुर।